अब आपको बताते हैं कुछ आसन मोटापे के लिए खास, कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ आसन। देखिए जो लोग मोटे हैं भी थोड़ा वक्त है तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी कर लें। सूक्ष्म व्यायाम के साथ अभ्यास तो हम प्रतिदिन ही बताते हैं, आगे पीछे दबाना, यूं गोल घुमा लेना पैरों को, क्योंकि इससे पैरों में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है और योगी का आसन करने के लिए आपका शरीर योग्य हो जाता है। ये बटरफ्लाई आपकी थाई बटक शीर्ष की वेट को कम करने के लिए उपयुक्त है। ये सूक्ष्म व्यायाम की सात क्रियाएं हम रोज ही करवा देते हैं, इनको आप थोड़ी देर के लिए जरूर कर लेना। बटरफ्लाई तो खास थाई बटक शीर्ष की वेट को भी कम करने के लिए उपयोगी है। फिर आप को मोटापा है तो सूक्ष्म व्यायाम की कुछ क्रियाएं कर लेना, इससे जॉइंट्स के अंदर भी जो फैट जाम है वो भी कम हो जाएगा। प्रथम अभ्यास, हाथों को मिला करके अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुठ्ठियां बंद, कोनी एकदम सीधी और गोल घुमा देना यूं, फिर विपरीत दिशा से। फिर दूसरा अभ्यास, गोल बड़ा शून्य बना देना, इससे हाथों का फैट भी कम होगा, कंधे आपके स्वस्थ होंगे और उनका भी फैट कम होगा। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं जॉइंट्स में जो फैट होता है उसको कम करने में आपकी मदद करेंगी, इससे गर्दन भी स्वस्थ होगी। एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देना, ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं सात क्रिया हम रोज ही करवा देते हैं, जिससे कि आपके शरीर में कोई भी दर्द हो ही नहीं। सर्वाइकल स्पोनाइटिस पेन, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, उसके लिए सात ये सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं हम रोज ही करवा देते हैं आपसे। अब हम करवाएंगे आपको 10 आसन, जो एक विशेष पैकेज बनाया योग को श्रेणीबद्ध किया मोटापे के लिए खास। यद्यपि 3 अभ्यास हम प्रतिदिन सभी को करवाते हैं अपने योगी कक्षाओं के अंदर, जिसमें अर्धालासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन आज हम आपको 3 अभ्यास बैठ करके, और 3 अभ्यास बैठ करके करने के बाद 2 अभ्यास खड़े होकर के, और फिर 5 अभ्यास लेट करके, उसमें 3 अभ्यास जो लेट करके कराते हैं उनमें 2 आज और ऐड करेंगे हम, थायराइड के लिए, गले के लिए, सर्वांगासन, हलासन, यदि कर सके तो आप करना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। इन 10 अभ्यासों में आप 3 अभ्यास भी कर लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन एक जो है आपको ये 10 अभ्यास इसलिए बता रहे हैं कि फिर 100% आपको मोटापे में लाभ होगा, और थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी तो हम घरेलू उपचार और आपके आहार में थोड़ा सा परिवर्तन करके और करवा देंगे। देखिए सबसे पहला अभ्यास, दोनों पैरों को सामने खोल लें, चक्की घुमाना, ग्राइंडिंग, दोनों पैर सामने मिले हुए और दोनों पैरों को सामने मिला करके आप पूरा बड़ा शून्य बनाएंगे दोनों हाथों से। दोनों पैर सामने मिला करके ऐसे रखें और मिला करके हाथ यू, और यू आगे, यू पीछे, इस तरह से बड़ा शून्य बनाएंगे। देखिए कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, बस इतना ध्यान देना, अंगुलियों को इंटरलॉक करना, दोनों पैर सामने मिले, घुटने नहीं उठाना, घुटने सीधे रहेंगे, अब पीछे जाते तो भी पैर नहीं उठते, यू पैर नहीं उठाना, पैर सीधे जमीन पर टिके हुए होंगे, यू बड़ा शून्य बनाते हैं। फिर विपरीत दिशा से भी, ये विशेष रूप से पेट के वेट को कम करने के लिए, अक्सर वेट बढ़ता है तो पेट ही सबसे पहले बड़ा होता है, फिर कमर बड़ी होती है, फिर हिप, थाई, बटक, हिप्स, सभी की चर्बी से कम होगी। पहले माता बहन ऐसी चक्की घुमाया करती थी, स्लिम स्मार्ट हुआ करती थी, आजकल वाली बहुत मोटी मोटी होगी और दिन में भी ज्यादा सोती, दिन में सोना भी बंद करें यदि मोटापा घटाना चाहते हैं तो। खाने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, सुबह उठ के गर्म पानी पिए और ये अभ्यास कर लें, बड़ा शून्य बनाए। मीठा खाना बंद कर दीजिए, गर्म पानी पीना ही शुरू कीजिए, जब भी प्यास लगे तब, मोटापा अपने आप ही घट जाएगा, थोड़ा योगा अभ्यास कर लीजिए। देखो ऐसे बड़ा शून्य बनाते हैं, यूं आगे जाते हैं तो हाथ ऐसे, पीछे जाते हैं तो हाथ ऐसे, आगे हाथ पंजों के ऊपर, पीछे से जंघाओं के ऊपर, यूं घुटने सीधे, पंजे तने भी, विपरीत दिशा से भी, इसी तरह से कोहनियां मोड़ना नहीं, कोहनियां सीधी रखना, आपने यदि कोहनी मोड़ के यूं किया तो कुछ नहीं होगा, आप 100 बार कर लीजिए। ये एक अभ्यास, अब दूसरा अभ्यास,